न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ऋषिकेश के शांतिनगर क्षेत्र में एक फोटो फ्रेम की दुकान पर 5 नाबालिग घातक काम करते हुए मिले हैं। श्रम परिवर्तन की टीम ने नाबालिगों को अपनी हिरासत में लिया है। दुकान मालिक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। श्रम परिवर्तन अधिकारी पिंकी टमटा ने बताया कि एक एनजीओ के द्वारा सूचना मिली कि शांतिनगर में कांच के फोटो फ्रेम की दुकान पर एक 13 साल और एक 17 साल के नाबालिग काम कर रहे हैं, जो कटर से शीशे को काट रहे हैं। सूचना के आधार पर श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके पर 5 नाबालिग घातक काम करते हुए मिले। टीम ने नाबालिगों को अपनी हिरासत में लिया है और दुकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। आज डीटीएफ की कार्रवाई की गई है, जो डीएम साहब की अध्यक्षता में हमारी टीम गठित है बाल श्रम के चिन्हीकरण के लिए। तो उसमें हमें बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा शिकायत मिली थी, जिस पर निवेदिता मैम द्वारा हमको डायरेक्शन दिया गया कि आप तुरंत जाके कार्रवाई कीजिए। तो वहाँ पर लगभग 5 नाबालिग बच्चे काम करते हुए मिले। एक फ़ोटो फ्रेम की शॉप है, वैष्णवी फ़ोटो फ्रेम शांतिनगर में है। तो 5 बच्चे, जिसमें से एक तो 13 साल का है, बाकी सब 18 से नीचे हैं। लेकिन चूंकि वो फ्रेम कटिंग पर कटर से काम कर रहे थे, तो खतरनाक में आ जाता है। तो हमने 5 के आईडीपीएल फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल से कूदकर अज्ञात चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। 2 कंप्यूटर चोरी कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पकड़े जाने पर 2 चोरों ने फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात पीआरडी के जवानों पर पेचकस से हमला कर दिया। घटना में एक पीआरडी के जवान के पैर और दूसरे के छाती पर वार हुआ। दोनों को गुम चोटें आई हैं। इस चोरी की घटना पर आईडीपीएल की वेलफेयर सोसाइटी ने संदेह जताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ था, क्या चोर आए थे, क्या हमला किया आप पे? रात जब हम ड्यूटी से आए हैं ड्यूटी के लिए, तो जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाते ही हम चेकिंग करने लगे और जैसे हमने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसके अंदर जाके देखा हमने, तो उसमें चेक करने लगे। अच्छा। और जैसे ही अंदर घुसे हैं और अंदर जो टॉर्च लगी इनको, जिन्होंने देखा हमें, तो ये छिपे हुए थे। और जैसे ही इन्होंने पीछे से हमें हमला कर दिया और हमला करने पे इन्होंने हमारे पास, इनके पास चाकू है, पेचकस, इन्होंने पेट। सितारगंज एसडीएम रविंद्र कुमार जुआठा ने अवैध खनन परिवहन की रोकथाम को लेकर शहर से सटे पीलीभीत रोड पर उपखनिज ढो रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। उन्होंने वाहन चालक से परिवहन संबंधित प्रपत्र मांगे हैं, जो मौके पर एसडीएम को नहीं दिखाए गए, जिसके बाद एसडीएम ने खनन सामग्री ढो रहे वाहन पर सीज की कार्रवाई की है। प्रशासन ने बिना प्रपत्र खनिज ढोने के मामले में करीब 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर गए, जहां उन्होंने राज्य अतिथि गृह से ऑटो सेक्टर और ई मोबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और उद्योग त्वरक संबंधी एमओयू सेरेमनी में वर्चुअल रूप से कर रहे प्रतिभाग, जिसके बाद वो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज ऑडिटोरियम में पीएम स्वराज पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने के पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि इस राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड में महिलाओं को सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की सभी को समानता की भावना को उत्तराखंड में चरितार्थ किया गया है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी धन्यवाद करते हैं। अच्छा काम है और देश को लंबे समय से इसकी ज़रूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं जिसको देश में लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, लोगों की ज़रूरतें थी, वो सब काम हो रहे हैं। चाहे धारा 370 समाप्त हो, अभी 2 दिन पहले CA देश के अंदर लागू हुआ है, भगवान राम का मंदिर बना है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी के कार्यक्रम में भाजपा नेता बिफर गए। जिला प्रशासन के द्वारा भाजपा के जिलाध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को रोक जाने के बाद जिलाध्यक्ष नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। जिलाध्यक्ष का आरोप था कि सीएम के कार्यक्रम में जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। जिलाध्यक्ष की नाराजगी पर अधिकारियों ने बमुश्किल उन्हें मनाया और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें गढ़वाल से अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया है। जिला और सत्र न्यायाधीश आशीष निथानी की अदालत ने पत्रकार आशुतोष नेगी को SC ST एक्ट के मामले में दर्ज मुकदमे में राहत दी है। जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोटद्वार न्यायालय में विचाराधीन SC ST एक्ट के मामले में न्यायालय में सुनवाई के बाद अभियुक्त आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे एक बार फिर दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। पत्रकार आशुतोष नेगी ने कहा कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वो चुप नहीं बैठने वाले। वहीं जमानत मिलने के बाद जिला कारागार से जमानत पर रिहा होने पर युवा कांग्रेस और अंकिता भंडारी के माता पिता ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया है।
राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी उत्तराखंड के आह्वान पर शिक्षकों ने विभागीय भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति 2024 का विरोध करते हुए उनकी प्रतियों का दहन कर नई नियमावली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य के 692 पदों पर विभागीय भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसका राजकीय शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में जनपद के सभी 9 विकास खंडों में नाराज शिक्षकों ने विज्ञप्ति की प्रतियों का दहन किया नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि प्रधानाध्यापक विभागीय सीधी भर्ती नियमावली 2022 का विरोध करता है। ये नियमावली एक तरफा है, अन्यायपूर्ण है, शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इस तरह की विज्ञप्ति में मनमानी नियमावली बनाकर विभाग में कार्यरत 85% शिक्षकों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि अगर पुरानी नियमावली को बहाल नहीं किया गया तो शिक्षक खंड बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। राजकीय शिक्षक संघ है, लगभग 2 सालों से इस नियमावली का विरोध कर रहा है। ये 50% पद जो है सीधी भर्ती से हमारे प्रधानाचार्य के भरे जा रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पद है प्रधानाचार्य के, वो 100% जो है प्रमोशन के पद है। हमारे वरिष्ठ चाहे LT अध्यापक हैं, चाहे प्रवक्ता पदों पे हैं, इन लोगों के लिए एक ही मौका मिलता है जीवन में कि वो प्रधानाचार्य के पद तक जाएं। लेकिन सरकार की जो ये मंशा है, इसमें कुछ उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 23 दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रांगण में लगे पेड़ों पर चढ़कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पेड़ों पर चढ़ी महिलाओं को उतारने के लिए पुलिस बल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण भंडारी ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो अगले 2 दिन तक लगातार पेड़ों पर चढ़े रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा का दौरा किया। यहां शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में 1690 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के कड़े इंतजाम देखे गए। कानपुर में सार थाना क्षेत्र के कुम्हूपुर गांव में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब व्यापार में घाटा होने से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली। वह युवक का शव पेड़ पर लटका दे ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों को दी, जहां सूचना पर पहुंचे पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के चलते पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के कटरोली पट्टी में मौत बनकर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं। लगातार फरुखाबाद में हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी RTO विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आज भी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के रामगंज गांव में तेज रफ्तार पिकअप में बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राजेंद्र पुत्र शिव बालक उम्र 23 साल निवासी लोधवारी थाना डी के रूप में हुई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर क्या पढ़ते हैं? मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र कुमार है, उम्र 23 साल है, उनको उनके परिचितों द्वारा यहाँ पे लाया गया था। उनको एक पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिस वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनको सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब वो यहाँ अस्पताल पहुँचे तब तक उनकी मृत्यु हो। गाजीपुर की इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिजली विभाग पूरे प्रदेश में सतर्कता का अभियान नहीं चला रही है, लेकिन जनपद श्रावस्ती में विद्युत विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में सोया हुआ है। जनपद के अलग अलग इलाकों में जर्जर लगे हुए तारों से घटनाएं होने की खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, फिर भी विद्युत विभाग की लापरवाही की हद तो तब हो गई जब नेशनल हाईवे पर 11,000 के हाईटेंशन तार लटकता नजर आया। लेकिन कई सालों से स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग हाईटेंशन तार सही नहीं कर पाया है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं लगातार हो रही है और साथ ही साथ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। महोबा में बीते रोज पहाड़ पर खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत के मामले में केंद्र राज्य सरकार की 4 सदस्यीय संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े हर पहलू को जांच कर रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपेगी। हालांकि इस दौरान जांच अधिकारी मीडिया से बात करते हुए बचे हैं। वह इस मामले में खनन अधिकारी की तहरीर पर
पहाड़पट्टा धारक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं झांसी से खबर सामने आ रही है, बता दें कि इन दिनों नवयुवकों में गैंगस्टर बनने का ऐसा भूत सवार है कि अवैध हथियारों के साथ अपनी फोटो फेसबुक की स्टोरी में लगातार लगाकर घूम रहे हैं। इन्हीं प्रशासन को कोई डर ही नहीं है जनाब, अपनी फोटो ऐसे लगाकर साबित करना चाहते हैं कि अपराध की दुनिया से इनका बहुत बड़ा नाता है, मानो कि अंडरवर्ल्ड भी जैसे इनके नाम से कांपता हो। और तो और, योगी सरकार अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई कर अपराधों को कम करना चाहती है, तो दूसरी तरफ नए युवक गैंगस्टर बनने की फिराक में अवैध असलों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। झांसी कोतवाली गरौट अंतर्गत मोरानीपुर रोड पर चतुराई और मारकुआं के बीच में ट्रैक्टर ऑल्टो गाड़ी के आमने सामने की टक्कर में मोरानीपुर केएस एकेडमी से पेपर देकर लौट रही कस्बा गरौट की छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। तभी वहां से गुजर रही डायरेक्ट सुबारा की गाड़ी के स्टाफ ने सभी छात्र को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ घायलों में प्रिया यादव पुत्री पुष्पेंद्र यादव, श्रेजल सोनी पुत्र मन्नू सोनी, पलक पुत्री जीतू बुंदेला, हर्षिका राजा पुत्री राजीव परिमार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज किया गया। दो छात्राओं यानी कि रिया और पलक की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है, ट्रैक्टर को मौके पर जाकर पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है। लजपुर में थाना मंडवारा अंतर्गत ग्राम साढ़ू मल निवासी रहमत खां को डीसीएम ने टक्कर मार दी, उसके बाद उन्हें उनके परिजन घायल अवस्था में सीएससी मंडवारा लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए ललितपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान चिकित्सकों ने रहमत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बीबी जी, क्या 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 घटना हुई, क्या घटना हुआ था आपके पिताजी? सुबह सुबह जा रहे थे खेत पर, खेत से वापसी आ रहे थे और खेत से वापसी आ गए डीसीएम गाड़ी आई तो बगल से ऑल इंडिया के साथ।